आज भैया दूज का दिन है और नेपाल का ये सबसे गजब शहर भैरहवा है। आप देख सकते हैं कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ भैया दूज का त्यौहार काफ़ी शानदार तरीके से मनाया जाता है और पूरा नेपाल बंद रहता है। आपको खाने के लिए भी तरस जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दुकान आपको खुला नहीं मिलेगा। भैरहवा शहर बहुत ही बड़ा है, जो आँखों के डॉक्टरों के लिए मशहूर है और अस्पतालों में शुमार है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी दुकान, और हम हाईवे पे हैं, गाड़ी भी बहुत कम ही चल रही हैं, क्योंकि सारे दुकान और नेपाली निवासी सब अपने घर में हैं। देख सकते हैं किस तरह हम गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ रहती है, लेकिन आज जैसा माहौल बन रहा है एक भी लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हम काफ़ी दूर से घूम कर आए हैं और देख रहे हैं कि भैरहवा का हाल काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि जो चलता फिरता शहर था वो एकदम रुक सा गया है। और यह काफ़ी बड़ा शहर है और शानदार है, आप यहाँ एक बार ज़रूर घूमें। और यहाँ पर आपको हवाई अड्डा भी देखने को मिलेगा, जो नेशनल हवाई अड्डा है, आप वहाँ से काठमांडू के लिए भी रवाना हो सकते हैं। शानदार तरीके से आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत बड़ी सिटी है, आपको हर एक प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और जो हाईवे है वो शानदार है, काफ़ी लंबा चौड़ा हाईवे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल सब लगे हुए हैं बीच में, गाड़ी से हम जा रहे हैं इसीलिए पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नेपाल में ज़्यादातर 4 से 5 तल्ला की बिल्डिंग होती हैं, उससे बड़ी नहीं है। आप अब पोल देख सकते हैं, हम चार पहिया गाड़ी में हैं इसीलिए पोल दिख नहीं रहा था, पोल देख सकते हैं, सब इलेक्ट्रिक पोल हैं। और डबल रोड है, बेहतरीन रोड है, जो आपको इंडिया में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ का रोड काफ़ी शानदार है, आप जब पोखरा वगैरह जाएंगे तब आपको रोड ख़राब मिलेगा, क्योंकि वह पहाड़ी रोड रहेगा और वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज भैया दूज के त्यौहार पर काफ़ी ज़्यादा नेपाल में शांति है और कोई भी दुकान खुला नहीं है, हर एक नेपाली भाई लोग अपने त्यौहार में शरीक हैं और व्यस्त हैं। आज के दिन आप अगर घूमना चाहें तो आप अपना पार्सल गांव से ही लेकर आएँ, या इंडिया से हैं तो इंडिया से लेकर ही आएँ, नहीं तो आप भूखे रह सकते हैं, क्योंकि यह त्यौहार उन लोगों का पर्सनल त्यौहार है और वो लोग सब काम छोड़कर दुकानें बंद कर देते हैं।